हमें मयंक और कुंजन का रिश्ता मंजूर है। लो लो ना बेटा, खाओ। चलो खा लो। दीदी, ये क्या हो गया आपको? होश में तो है आप? और ये क्या कहे जा रही है आप? दो मिनट पहले तो चारू से परफेक्ट कोई भी नहीं था मयंक के लिए। और अब अचानक बदल गई। राजी समाज किसी की परवाह नहीं है आपको? देखो संगीता, हमें सिर्फ परवाह है तो अपने बच्चे मयंक की खुशियों की और इसके सुनहरे भविष्य की। और किसी बात से ना हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अपने बेटे के मुंह में पागल हो गई हो तुम? शादी के लिए कुछ ही दिन बचे। अरे चारू के माँ बाप ने तो कार्ड भी छपा दिए हैं। अरे कार्ड ही तो छपे हैं ना, कोई साथ फेरे तो नहीं हुए हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। गुंजन, हमने कहा था ना कि अगर मयंक भैया तुम्हारी किस्मत में लिखे हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और वही हुआ। Yes, 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 Rachna, I still can't believe it. Oh my God, घर में सब लोग मान गए, मैं और मयंक, finally. It's a miracle, Rachna. शायद इसी को चमत्कार कहते हैं। अच्छा, ये चमत्कार है? Oh God, miracle कही जा रही हो? मतलब मेरी मेहनत का कोई क्रेडिट नहीं है? खुद तो मुझे छोड़ के चले गई तुम कैंप में, और मैं यहाँ बैठा चक्की पीस रहा था। था नहीं, आगे भी चक्की पीसोगे। आगे आगे देखो होता है क्या। देखो ना मयंक भैया, दीदी कैसे आपके ऊपर हंस रही है। टेंशन मत लो डोलू मास्टर, अभी देखो इनकी हंसी बंद करता हूँ। पीछे? क्या है पीछे? बिल्कुल पीछे हटी भैया। शादी से पहले नो नोक झोंक एंड नो मिलना जुलना। अच्छा, बहन मेरी है और साइड उसकी ले रही हो? अगली बार आना रक्षाबंधन पे, फिर बताऊंगा। भैया अभी हम लड़की वाले, और ये जो कमरा है ना, ये गुंजन का मायका है, इसलिए यहाँ ना नॉट अलाउड। ओके बाय। और डोलू तुम भी फोटो यहाँ से, चलो दोनों जाओ यहाँ। हाँ हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं, धक्का मत दो। लेकिन हम लड़के वाले हैं, कुछ ही दिन में गुंजन जी को उठा ले जाएंगे। अरे डोलू के बच्चे, गुंजन अब तुम्हारी दीदी कहाँ रही? गुंजन अब तुम्हारी भाभी है। बोलो दिल वाले भाभी ले जाएंगे? हाँ दिल वाले भाभी ले जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, जो करना है जब बारात लेकर आओगे तब करना। अब चलो बाय, चलो जाओ यहाँ से। अरे, अरे हमें आराम करने दो भैया, चलो जाओ। देख लेंगे तुम्हें हमारी प्यारी साली रचना। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। गुंजन आज हम बहुत बहुत खुश है। अरे उन्हें अचार खाना तो मना है। माँ, अरे वाह, लगता है पापा की प्लेट है, सब कुछ एकदम परफेक्ट, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बेटा हम तो किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देते, फिर भी सब हमसे नाराज ही रहते। अब तुम्हारे पापा को ही देख लो, पर उनका गुस्सा शांत करने का बस एक ही तरीका है, उन्हें भरपेट खाना खिलाना, नहीं तो पूरी रात हमसे महाभारत करेंगे। मेरी सुपर डुपर माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है बेटा, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे की आंखों में उदासी देख सकती है? हाँ हमारा तो बस एक ही बेटा है, हमारा राज दुलारा, हमारा चांद का टुकड़ा। अभी हम ना तुम्हारे लिए ना बड़ी से बड़ी मुश्किल भी सहन कर सकते हैं, बस
तुम्हें उदास नहीं देख सकते बेटा। माँ, तुम्हें समझने में मैंने देर कर दी। बेटा वैसे हमें चारू बहुत पसंद थी, घर बार भी बहुत अच्छा था। पता नहीं बेचारी ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी। उसके मम्मी पापा तो हम पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे होंगे, पर छोड़ो, हम एक माँ हैं और माँ का फर्ज पूरा कर रहे हैं, बाकी लोगों से हमें क्या लेना। माँ तुम्हें तो बेस्ट मॉम का प्राइस मिलना चाहिए, पर मुझे सबसे नालायक बेटे का। मुझे माफ कर दो माँ, गुस्से में आके मैंने पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। आई एम रियली सॉरी माँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आई लव यू माँ। शादी के बाद भी ऐसे ही प्यार करना अपनी माँ से, जोरू का गुलाम बर करना, अपनी माँ को भूल मत जाना। ओह कम ऑन माँ, आपकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। और वैसे भी बच्चों की खुशी के लिए सब माफ है। वैसे गुंजन, तुम्हारे पापा से भी बात करनी पड़ेगी, और वो भी जल्द से जल्द। मौसी जी, क्या आप पापा को सब कुछ इन्फॉर्म करेंगी? बुद्धू, तुम्हारी मौसी जी लड़के वालों की तरफ से भी है, तो तुम्हारा हाथ उनसे मांगना पड़ेगा, बकायदा उनसे बात करनी होगी। अरे उनकी इजाजत के बगैर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? I just hope कि पापा मान जाएं। मानेंगे, जरूर मानेंगे। उनके लिए उनकी बेटी की खुशी सबसे प्यारी है। अब तक सब ठीक गया ना, आगे भी ठीक जाएगा। तुम सब चिंता छोड़ दो। आज अगर स्नेहा होती तो कितनी खुश होती। वो बिल्कुल उतना ही खुश होती जितना कि इस वक्त आप खुश हैं। और ये क्या, आप मुझे खुश रहने को कहकर खुद ऐसे? नो क्राई, मम्मा इस वक्त जहां भी होंगी एकदम खुश होंगी, हमेशा की तरह सुपर एक्साइटेड, है ना मौसी जी? मम्मा की याद तो मुझे हमेशा आएगी, लेकिन अब उनकी कमी का एहसास थोड़ा कम हो जाएगा। You know why, ना? जिसने भी ये शब्द बनाया ना, एकदम सही बनाया। मौसी यानी माँ जैसी। लेकिन मेरा केस थोड़ा अलग है, आप मेरी माँ जैसी नहीं है। तुम मयंक जी आ गए ना? हाँ, पता नहीं कल रात से ना हमारा जी बहुत घबरा रहा था, पर थैंक गॉड कि हमारे पिया जी घर आ गए। सासू माँ, पाए लागू। चारू बेटा, तुम यहाँ कैसे? हमारा मतलब है कि अचानक वो कुछ खास बात है क्या? हम मयंक जी की झलक देखने के लिए आए हैं। ओह हाँ, मयंक तो आ गया है। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ। हाँ, गुड मॉर्निंग हमारी प्यारी ननंद रानी। कैसी हो? ए मिस्टर डोलू, हम पे क्यों हंस रहे हो? इस पर ध्यान मत दो, पागल कहीं का। अंदर जाओ डोलू। क्यों चले हम अंदर? चारू भाभी को बता दो ना वो वाली बात। कौन सी बात? अब आप नहीं, गुंजन दीदी हमारी भाभी बनने वाली है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।